हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। हाल ही फिलहाल में मेरे पास में कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरी भी यही आ रही है कि सब लोग अलग अलग बता रहे हैं किसकी बात माने। एक्चुअल में हर्बल लाइफ शेक है वो कैसे लेने चाहिए, और उसके बाद में जो अफ्रेश है मेन वो कैसा लेना चाहिए। बहुत लोग बोल रहे हैं खाली पेट लेना चाहिए, बहुत लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो क्लियरली अगर मैं बात करूं सीधी सी, तो हम किसकी बात माने। देखिए, जिसने भी ये लोग ये कमेंट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं ये वाले, तो जो भी ये कमेंट्स कर रहा है वो बहुत सही है, क्योंकि ये बहुत सही क्वेश्चन है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अलग अलग वीडियो पे देखते रहते हैं और फिर उनको डाउट्स आते हैं, सबसे मेन चीज़। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ना वो फॉलो कर पाते हैं और वो ना प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, तो वहाँ पर वो कन्फ्यूज होते हैं, और जिससे क्या होता है उनका रिजल्ट बिगड़ता है, उनका रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो पहले तो देखो, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर करता हूँ कि हर्बल लाइफ के देखो प्रोडक्ट्स ना वेट लूज करवाते हैं, ना वेट गेन करवाते हैं, और ना किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स अगर आप ले रहे हैं तो वो गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स है, यानी कि आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, यानी कि आपकी जो फैट लॉस जर्नी है उसमें वो प्रोडक्ट्स आपकी हेल्प करते हैं। ओके, और ये मैं हर वीडियो में बोलता आया हूँ। उसके बाद मैं कुछ आपको टिप्स भी बताता रहता हूँ कि आपको क्या क्या फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और अभी जो मेन है हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं मेरे इंट्रो से स्टार्ट करता हूँ कि मैं क्या बताता हूँ वीडियोस के अंदर और कैसे क्यों बताता हूँ यही चीज़ें। देखिए, मैं मेरे नॉलेज के साथ में बात करता हूँ। मुझे फिटनेस लाइन के अंदर ऑलमोस्ट सप्लीमेंट्स लेते लेते मुझे 10 से 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। उसके बाद में मैं जो आपको बताता हूँ, मैं पूरा पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ हर एक चीज़ की, उसके बाद मैं आपके सामने हर एक चीज़ लेता हूँ। और सबसे मेन चीज़ मैं ये भी देखता हूँ कि कंपनी क्या बोल रही है। देखिए, बहुत लोगों को बताया जाता है कि अफ्रेश को खाली पेट लेना चाहिए। ओके, मैंने भी पहले यही समझा था स्टार्टिंग में, बट उसके बाद मैं धीरे धीरे इसमें लर्निंग की। तो एक्चुअल में अफ्रेश को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक पूरी वीडियो इस पर पर्टिकुलर अलग बता रखी है, लेकिन फिर भी डाउट हो रहा है, और मैं और भी कवर करूंगा इसके साथ में, और भी जो पॉइंट्स हैं। क्या होता है कि देखो, आपने सुना होगा सबसे मेन चीज, चाय को कभी खाली पेट नहीं पीना चाहिए। चाय खाली पेट पीना मतलब कि जहर। कॉफ़ी को कभी खाली पेट नहीं पीना चाहिए, ये चीज़ सुनी होगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कैफीन प्रेजेंट होता है। तो अफ्रेश के अंदर क्या है, अफ्रेश के अंदर मेन कंटेंट क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट सब कुछ क्या कौन कर रहा है, कैफीन। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अगर कोई खाली पेट आपको बोल रहा है तो या तो उसको न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट्स का नॉलेज नहीं है, तो वो आपको खाली पेट लेने के लिए बोल रहा है, पॉसिबल ही नहीं। उसके साथ में कुछ ना कुछ आप बाइटिंग रखिए, चाहे आप आलमंड्स रखिए, फ्रूट्स रखिए, कुछ भी एक बाइटिंग्स आपके साथ में होनी चाहिए। जैसे आप चाय के साथ में बहुत से लोग टोस्ट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, वैसे ही खाली पेट आपने अफ्रेश नहीं लेना है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने पूरा वीडियो में बता रखा। और सबसे मेन चीज़, आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरे पास में शेकमेट है, फॉर्मूला वन है, प्रोटीन है, सब कुछ है, इनके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आप लेंगे तो आपको ये इम्प्रूवमेंट आएगा। जब कंपनी ही यही बोल रही है तो हम क्यों हमारा दिमाग लगाए। सिंपल सी बात है, कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इतने, जो वहाँ पे साइंटिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, उनसे पूरा सर्चिंग होकर के प्रोडक्ट्स आपके पास में आ रहा है, वो मेंशन कर रही है कंपनी, तो उसके बाद हम क्यों दूसरा दिमाग लगाएं। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी दूसरा, ये तो हो गया चलो प्रोडक्ट्स का और अफ्रेश का, जो बहुत लोगों को कमेंट आ रहा था, मैंने यहाँ पर एक बार में क्लियर किया। उसके बाद भी अगर आप खाली पेट ले रहे हैं तो देखिए, आप वहाँ पर गलती करेंगे, मैं तो एक ही बात बोलूँगा। ओके, अभी दूसरा क्या होता है, बहुत से लोगों के साथ में सीन क्या क्या होता है। फर्स्ट चीज़, अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स यानी कि कोई फाइबर टेबलेट भी ले रहे हैं, मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है लोगों को, महंगा। आप सिर्फ अगर आपको फैट लॉस करना है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है लाइक डायबिटीज, थायराइड, PCOD या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है, तो आप एक सिर्फ बेसिक किट से अपना जो फैट लॉस की जर्नी है वो स्टार्ट कीजिए। कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आपको नीड नहीं है, पहली चीज ये। दूसरा, अगर आप खाने में आलस कर रहे हैं,
तो आपका हेल्थ कोच आपको जो भी दे रहा है वो सही दे रहा है, वो वहाँ पर गलत नहीं है। जैसे कि फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना भी जरूरी है, अब आप बोल रहे हैं मैं इतनी सलाद नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली वो फाइबर टेबलेट आपको सजेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर वो चीज़ गलत नहीं है। ओके, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा, टू टाइम शेक, यानी कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार लोग टू टाइम शेक कंज्यूम करते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप टू टाइम शेक ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप वन टाइम शेक के साथ में अपना जो जर्नी है फैट लॉस की वो स्टार्ट करें, ताकि कल उठ करके आप अपने आइडल वेट में आने के बाद अगर न्यूट्रिशन को छोड़ना चाहते हो और उस पर मैनेज करना चाहते हो तो आसानी से मैनेज कर पाएंगे। ये सिंपल सा एक समझने वाली बात है। टू टाइम शेक में क्या होगा, आपको फिर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है इन फ्यूचर। ओके, तो टू टाइम शेक में आपको ध्यान रखना है। तीसरा और सबसे मेन चीज़ पता क्या होता है, टू टाइम शेक भी लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा लगता है, क्योंकि टू टाइम शेक में ऑब्वियसली 4,500-5,000 यानी महीने का 10,000 का प्रोडक्ट हो गया, तो मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, तो वहाँ पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट महंगा लगता है। तीसरा, डिटॉक्स के अंदर भी शेक, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डिटॉक्स के अंदर भी शेक लेने के लिए बोला जाता है। देखिए, डिटॉक्स के अंदर शेक नहीं आ जाता, ब्रेकफास्ट में भी शेक, लंच में भी शेक, डिनर में शेक, नहीं। डिटॉक्स के अंदर आपने शेक यूज़ नहीं करना है, डिटॉक्स के अंदर सिर्फ आपको यूज़ करना है ग्रीन स्मूदी। मैंने पूरा डाइट चार्ट बनाया हुआ है, तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर अगर आप 3 बार शेक्स ले लेंगे तो फिर आपका बचा ही क्या हो, ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो डिटॉक्स के अंदर नो शेक, ओनली फॉर स्मूदी या फिर अफ्रेश और एलो कॉन्सेंट्रेट आप यूज़ कर सकते हैं डिटॉक्स के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद में चौथा, बहुत बार क्या होता है आपको मतलब ऐसा बोला जाता है कि 6 बार 6 स्पून अफ्रेश ले लो, 7 स्पून अफ्रेश ले लो। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर कितना अफ्रेश लेना चाहिए। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्लियर मेंशन किया हुआ वहाँ पे, मेंशन किया हुआ है कंपनी ने अफ्रेश के ऊपर कि 150 ml वाटर, ल्यूक वार्म जो भी आपको बेस्ट लगे या नॉर्मल वाटर, और 1 स्पून उसके अंदर डालना है। यानी कि 3 बार आप पूरे दिन भर में ऐसे ले सकते हैं, 1 स्पून और 150 ml वाटर आपको लेना है। और मैं बताता हूँ, अगर आप कॉफ़ी चाय नहीं पीते तो 6 स्पून आप मैक्स टू मैक्स 6 स्पून ले सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 6 स्पून आपके लिए इनफ है, बिकॉज कैफीन की रिक्वायरमेंट भी 300 mg ही होती है पर डे। अफ्रेश के 1 स्पून में 40 mg कैफीन होता है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए। अगर आप 6 स्पून भी ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपको 240 mg ही आपका कैफीन हुआ। ओके, और 3 स्पून ले रहे हैं तो भी आपका कितना हुआ, 120 mg आपका कैफीन होता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब मुझे नहीं लगता कि शायद आपको अब कोई प्रॉब्लम आएगी। देखिए, जो भी आपको कैसे बता रहे हैं लोग, आपके हेल्थ को कैसे बता रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पर मेरे नॉलेज के साथ में बात करता हूँ, मैं मेरे नॉलेज के साथ में आपसे चीज़ें शेयर करता हूँ, मुझे जितना एक्सपीरियंस है मैं वैसे बताता हूँ, और मैं पूरा रिसर्च करके पढ़ करके फिर मैं आपके साथ में चीज़ें शेयर करता हूँ। तो मुझे ऐसे कमेंट आया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शायद मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जहाँ पर आपको पता चले कि एक्चुअल में बात किसकी माने। तो जिसको हेल्थ, जो भी आपका हेल्थ कोच है, सॉरी, जो भी आपका हेल्थ कोच है, उसको अगर न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है, अभी भी वो बोल रहे हैं कि अफ्रेश खाली पेट ले, तो वो थोड़ा गलत है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए। तो जो भी आपका हेल्थ कोच है, उसको न्यूट्रिशन का नॉलेज होना चाहिए, उसको वर्कआउट्स का नॉलेज होना चाहिए, उसका खुद का फिटनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी तोंद बाहर आ रही है और वो आपको गाइड कर रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी गलत होती है। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। पढ़ करके एक टाइम में हर कोई बता देता है, लेकिन पूरा एक एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं चीज़ें मैटर करती है, खुद के ऊपर प्रैक्टिकली मैटर करता है। मैं भी पहले लेता था ऐसा नहीं अप्रेस, लेकिन मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने अपनी गलती को सुधारा, नहीं एक्चुअल में इस तरीके से हर एक चीज़ को लिया जाता है। और सिंपल है, जो पढ़े लिखे हैं उनको क्लियर पता है कि उसमें हर एक चीज़ लिखी हुई, तो कंपनी कभी गलत नहीं लिखती है। वो कंपनी अगर आपको बोल रही है हर एक चीज़ों को ऐसे लिखने के लिए, तो आप उस तरीके से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करें। ओके, तो आज की वीडियो में ये था। और दूसरा आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, जो मैं हर वीडियो में बोलता आया हूँ, रिसेंटली मैंने एक हेल्थ टॉक स्टार्ट किया है, जो एवरी संडे हमारा होता है 12 PM, तो वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसरिंग होती है, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है, आप पूछ सकते हैं जो भी है। तो उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखे, या फिर स्क्रीन पे आपको नंबर दिखे होंगे, वहाँ पर जाके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यस आई वांट लिंक। ओके, तो आपको लिंक आपको मिल जाएगा, सैटरडे को आपको लिंक आपके पास में आ जाएगा, संडे को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी कमेंट करिए और बताइए मुझे कि आपको और कौन कौन सी चीज़ों पे डाउट होता है, वेट लॉस में क्या आपको प्रॉब्लम आती है, कौन से प्रोडक्ट्स में, हर्बल लाइफ पे किस किस में क्या क्या डाउट्स हो रहा है। मैं हर एक वीडियो पे मेरे बैटर नॉलेज के साथ में वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।